हाँ बिल्कुल, आई जस्ट कम टू दैट यस आई कम टू दैट ओके सो नाउ व्हाट आई विल डू मैं इसको रब ऑफ करता हूँ. बहुत बढ़िया सवाल है सर आपका कि amortization की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं. जब तक मैं बोर्ड को रख कर रहा हूँ सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए. सो कैसे डिसाइड करते हैं amortization? अच्छा अब देखो टाटा मोटर्स है. टाटा मोटर्स क्या करते हैं? टाटा मोटर्स गाड़ियाँ बनाते हैं और टाटा मोटर्स को मालूम है कि अगर हमको हमारी सेल को लाइव रखना है, अगर हमको हमारी कंपनी को चलाते रहना है तो हमको नए नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, इजंट इट? अगर वो सेम सेम मॉडल चलाएंगे तो लोग गाड़ी खरीदना बंद कर देंगे. तो टाटा मोटर्स क्या करती है? टाटा मोटर्स का R&D डिपार्टमेंट है और वो कंटिन्यूसली नए नए मॉडल्स को डिजाइन करता है. तो लेट्स से उन्होंने एक नया मॉडल डिजाइन किया और उस मॉडल को डिजाइन करने में उन्होंने जो कॉस्ट इनकर करी वो ही 40 करोड़. सो 40 करोड़ कर का एक एक्सपेंडिचर R&D करके, R&D कॉस्ट जो नया मॉडल बनाया उस पर 40 करोड़ का उन्होंने खर्चा किया. अब ये 40 करोड़ का खर्चा करने के बाद डिजाइन तैयार है, अब टाटा मोटर्स ये गाड़ी को मार्केट में उतार सकती है. अब ये इंटेंजिबल एसेट है, यस और नो? इट इज इंटेंजिबल बिकॉज यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट फील, यू कैन नॉट सी, इंटेंजिबल है. तो अब इसको एमोर्टाइज कैसे करेंगे? तो टाटा मोटर्स का सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, मार्केट एक्सपर्ट सब मिलकर चर्चा करेंगे. और वो क्या चर्चा करेंगे? वो चर्चा ये करेंगे कि अगर हम ये मॉडल मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये मॉडल कितने साल तक चलेगा. और उनका सबका जो डिस्कशन होता है उनसे वो दे कम टू ए कंक्लूजन कि ये मॉडल हम 4 साल तक चला पाएंगे, 4 साल के बाद में हमको ये मॉडल फेज आउट करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या है? ये जो डिजाइन है इसकी लाइफ कितनी हो गई? 4 ईयर्स. So 40 crores divided by 4 and that is 10 crores. So what Tata Motors will do? Tata Motors every year will amortize 10 crore of this patent or this design in the P&L. So this is how, इस तरह से आप decide करते हो the amount of amortization. Does it answer to everybody? Okay, good. Right. Okay, any other question? yes, of course. बिल्कुल. अच्छा आर यू और क्लियर कि प्रोजेक्ट इवेल्युएशन कैसे करना चाहिए? नंबर वन व्हाट यू शुड लुक एट इज द कॉस्ट एंड नंबर टू एबिटा एंड नंबर थ्री योर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट रुचि? यस प्लीज. नाउ व्हेन आई आल्सो ऑब्जर्व कि पीपल प्रेफर, वी कैन रिमूव दिस नाउ, वी डोंट वांट फाइनेंस कॉस्ट, रादर देन वी विल डू इट फ्रॉम आवर ओन प्रॉफिट. सो व्हाट इज योर ओपिनियन? यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल. Yeah, we can remove this now. It's time for asking questions to the speaker. Mic will be brought to your place. Those who want to ask questions, you can pose questions to Pramod ji. Right, so there's one question. I'll just come to you, sir. सर का क्वेश्चन ये है कि आजकल बहुत सारे लोगों को लगता है कि वाई टू पे इंटरेस्ट पे करें, क्यों करें, इसके बजाय हम अपना पैसा लगा के बिजनेस को आगे लेके जाएं. सर बहुत बढ़िया सवाल है. अब देखिए एक चीज़ याद रखिए कि पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट वैल्यू, और वैल्यू क्रिएट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक है प्रॉफिट और दूसरा है ग्रोथ. तो अगर आप आपके पैसे से ही बिजनेस को बढ़ाएंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपका बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर पाएगा जितना कि उसको करना चाहिए. क्यों? क्योंकि बिजनेस को ग्रो करने के लिए कैपिटल चाहिए, और कैपिटल दो जगह से आ सकती है, आपकी जेब से या बैंक के पास से.